तम सोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्युर्मामृतगमय। शहंशाह फेलकुस अपने बहादुर बेटे को रियासत थेबा फतह करने पर मुबारकबाद देते हैं। उस रियासत को बतली मूस जैसे बहादुर सिपा सलार भी फतह न कर सके। शुक्रिया इकबाले यूनान। बेटा, यूनान की रियासत तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तुम्हें तो दुनिया का फातहा होना चाहिए। आमीन। रस्तों की बात याद रखना सिकंदर, तारीख में फतह करने वाले का नाम बड़े बड़े लफ्जों में लिखा जाता है, शिकस्त खाने वाले का नहीं। उस्ताद यूनान, करो हमला। शहजादा मकदूनिया, आपकी जात कामयाब रही। हम तो दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन का हमला कामयाब नहीं रहेगा। Thank you.
हमें हैरत है, जिस घोड़े पर यूनान के बड़े बड़े कमांडर काबू न पा सके तुमने उसे काबू कर लिया। कौन हो तुम? एक गुलाम लड़की। हमें ये फन सिखाई जाती है ताकि शहंशाह के दरबार में ऊंची कीमत पर बिक सके। तुम्हें चोरी का फन भी सिखाया जाता है? चोरी मैंने मजबूरी से की थी, मैं गुलामों के ताजरों से रिहाई चाहती थी। शहजादा मकदूनिया तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? शहजादा मकदूनिया, मुझे चंद रोज के लिए पनाह दे दीजिए। जब वो ताजर मुझे ना पाकर वापस लौट जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी जहां किस्मत ले जाए। अगर आपने मुझे पनाह न दी तो वो लोग मुझे शहंशाह ईरान के हाथों बेच देंगे। ऐसी जिंदगी से मुझे नफरत है। औरत मोहब्बत भरे दिल के लिए बिकती है, शहंशाह की हुकूमत के लिए नहीं बिकती। तुम किसी शहंशाह के लिए बिकोगी या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन मुमकिन है कोई शहंशाह तुम्हारे लिए बिक जाए। तुम पनाहगजी नहीं, हमारी मेहमान बनकर रहोगी। मैं आपकी, मीना आपकी, जाम आपका। कनीस तो महज पेश करने का फख्र हासिल करना चाहती है। ये तुम्हारे लिए है। साखी पिया नहीं करता, पिलाया करता है। जो पीना नहीं जानता वो पिलाएगा क्या? आपकी महफिल में तो एक ही जाम है। हमारी तन्हाई का सबूत। क्या यहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आया?
आया होता तो जाम एक ही ना होता। जाम लबो तक पहुंचने के लिए बेटा, पहले जाम पर मेहमान का हक होता है। जाम के बगैर ही नशा हो जाए तो जाम की क्या जरूरत है। पिलाए तूने गुस्सा किया तुमने शराब पी गई मेरी खता माफ कर मैं बेहिसाब पी गई। पिलाई तूने उसा पिया तुमने शराब पी गई मेरी खता माफ कर मैं बेहिसाब पी गई। पिलाई तूने उसा पिया तुमने शराब पी गई। किसी ने सुने से कह दिया है कि आज तू आप साथ हो जा चमन चमन की बहार बन जा कली कली का शबाब हो जा कली कली का शबाब हो जा। मैं एक जर्रा थी खाक का क्यों आफताब पी गई मेरी खता माफ कर मैं बेहिसाब पी गई। पिलाई तूने उसका पिया तुमने शराब पी गई। कहाँ से लाके नसीब ने भी कहाँ पे मुझको बिठा दिया है बहुत दिन पर उदासियाँ थी उन्हें भी हंसना सिखा दिया है उन्हें भी हंसना सिखा दिया है। प्यार का जाम जब मिला तो मैं जनाब पी गई मेरी खता माफ कर मैं बेहिसाब पी गई। पिलाई तूने गुस्सा पिया तो मैं शराब पी गई। किसी ने देखा है आज मुझको कुछ इस तरह प्यार की नजर से फिजा के मौसम में जैसे आकर कहीं से उभरे बाहर बरसे कहीं से उभरे बाहर बरसे। अच्छी लगे किसी को बात या खराब पी गई मेरी खता माफ कर मैं बेहिसाब पी गई। पिलाई तूने उसा पिया तुमने शराब पी गई मेरी खता माफ कर मैं बेहिसाब पी गई। पिलाई तूने उसा पिया तुमने शराब पी गई
पी गई मैं शराब पी गई। गुलाम की फरियाद शाही खानदान के खिलाफ है। शाही खानदान के खिलाफ फरियाद और एक अदला ताजर की, शहनशाह यूनान के खिलाफ फरियाद नामुमकिन है। शहनशाह कानून से बुलंद है और वलीहद मक्तूनिया की बुलंद निगाहें आलमगीर ख्वाबों को समेटे हुए हैं। मक्तूनिया के ताजर उन निगाहों की जद में नहीं आ सकते। मलका मक्तूनिया, इस अखीर की हिफाजत का वायदा फरमाए तो जबान दराजी की जुरत करो। हमने वादा फरमाया। हमारे मुल्जिम है शहजादे मक्दूनिया सिकंदर। सिकंदर और मुल्जिम बेवक्त मौत को सजाए दे रहे। फरियाद जारी रहे। हम एक नाजुक अंदाम गुलाम हसीना को शहनशाह ईरान दारा की खिदमत में पेश करने जा रहे थे। शहजादे मक्दूनिया ने उसे हमसे छीनकर अलमूद के किले में नामुमकिन कत्ल नामुमकिन। अर्श फर्श पर झुक सकता है, सितारे अपनी रफ्तार बदल सकते हैं, मगर मुकद्दस ज़ियास के मायनवी फरज़ंद निकट सिकंदर के कदम एक अदना हसीना के हुस्न जमाल से मुतज़ल्ज़ल नहीं हो सकते। मलका मक्तूनिया इसकी तहकीकात फरमाएंगी। इसके दो ही अंजाम हो सकते हैं, तुम्हें सजाए मौत या उस दोषीजा की वापसी। तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बेपनाह हुस्न जमाल की नजर। इन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मालूम होता है शहजादा मक्तूनिया ने हमें सब मालूम हो गया। जेवरात जवाहरात से तुम्हारा दामन भर दिया जाएगा। मन गया लिया, गुलामी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मुसर्रतें तुम पर कुर्बान होंगी, खुशियों के ख्वाब तुम्हारे कदमों में होंगे। दौलत जहां रंगीन लहरें खरीद सकती है वो सब तुम्हारे कदमों में होगी। बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हारी हर आरजू पूरी की जाएगी। मुझे और क्या चाहिए, शहजादा मक्तूनिया का दामन मिल गया, आपका साया मिल गया, जर्रे को आफताब मिल गया। कभी कभी आफ्ताब का अक्स जर्रे पर पड़ता है तो जर्रा समझता है उसमें आफ्ताब समा गया। वो ये भूल जाता है कि आफ्ताब आसमान पर है और वो जमीन पर। मैं समझी नहीं मल गया लिए। आफ्ताब की शुआ जब जर्रे को छूती है तो वो झूम उड़ता है। उस मासूम को ये मालूम नहीं कि आफ्ताब गुरूब होते ही वो शुआ वापस चली जाएगी। मल गया लिया, ये क्या पहली है। एक तरफ ये रूखे फीके तंज में डूबे हुए अल्फाज, दूसरी तरफ ये करम, ये जेवरात और ये जवाहरात।
ये जेवरात और जवाहरात, ये दौलत के अंबार शहजादाए मकदूनिया से तुम्हारी मुलाकात की खुशी में नजराना नहीं, ये सब शहजादाए मकदूनिया से तुम्हारी जुदाई की कीमत है। जुदाई के लिए नहीं, नहीं, नहीं। उन्हें मुझसे मोहब्बत है, मोहब्बत के जज्बात पर ये सितम न कीजिए। मोहब्बत की तिजारत एक गुलाम लड़की के लिए मलका यूनान बनने का ख्वाब बहुत बड़ा ख्वाब है। किसी को मोहब्बत के लिए उकसाना, ये फन तुम खूब जानती हो, ये तुम्हारा पेशा है। मलका आलिया, गुलाम लड़की की हर रदा वफा नहीं होती, बादशाहों और शहजादों से लग्जिशें होती ही रहती हैं, उनकी हर लग्जिश मोहब्बत नहीं होती। हमने सांस देखा है, जाम देखा है, शहजादाए मकदूनिया बहके नहीं बहकाए गए हैं। आपने सांस देखा है, मैंने उनके दिल की आवाज सुनी है। आपने जाम देखा है, मैंने जाम में उनका डूबा हुआ दिल देखा है। ये तुम्हारी नहीं जाम की तारीफ है, तुम दिल का जिक्र करती हो। हमने जाम को अपने शौहर के हाथ में देखा और यूनान की सल्तनत उसमें डूबती हुई देखी। हम तारीख को वो मंजर दोहराने नहीं देंगे। मुकद्दस ज़िया से निकट सिकंदर के फाते आलम बनने की जो बशारत दी है, वो एक लड़की के हाथ में थामे हुए जाम में डूबने नहीं देंगे। हमारे पास आओ। तसव्वुर की नजरों से देखो, अगर सिकंदर तुम्हारे हुस्न के तूफान में बह गया तो यूनान के शाही महल पर ईरान या मिस्र का परचम लहराएगा। तारीख सिकंदर के नाम पर स्याही फेर देगी। अगर तुमने उसका रास्ता छोड़ दिया तो दुनिया के नक्शे पर यूनानी परचम का साया लहराएगा। तारीख में फातह आजम निकट सिकंदर का नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। तुम्हें इन दोनों में से कौन सी तस्वीर पसंद है, इसका फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। वतन और मोहब्बत में जब भी टक्कर हुई है, हमेशा मोहब्बत कुर्बान हुई है। मैं भी तारीख की जालिम रवायत पर कुर्बान हो जाऊंगी। मरहबा। मैं जाने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। हरगिज नहीं, तुम्हें देखकर उसकी लज्जिश बगावत बन सकती है। तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम कभी निकटिव के सामने जाकर उसके दिल की आग को हवा नहीं दोगी। मैं वादा करती हूँ, जब तक वो फादर आलम सा बन जाए, मैं कभी उनके सामने नहीं जाऊंगी। इसके सिले में हम तुम्हें गुलामों के ताजरों से आजाद करके माल जवाहरात से लाद दें। मलका आलिया, मेरी कुर्बानी की कीमत मुकर्रर न कीजिए, गुलामी मेरा पेशा है। तुम्हारी निगाहें जिसको तलाश कर रही हैं, उसे हमने यहाँ से दूर भेज दिया। जहाँ शहजादा मकदूनिया की निगाह तो क्या ख्याल भी न चल सके। वालिदा मुजम्मा, इत्मीनान रहे शहजादा मकदूनिया, उसकी कमी तुम्हें महसूस न होगी। शहजादा मकदूनिया की खिदमत आलिया में जाम पेश किया जाए और तुम यूनान के हसीन जमीन नगमे और रक्त पेश करो।
नहीं। निकटे निगाहें ऊपर उठाओ, हम उन निगाहों को देखना चाहते हैं जो फाते आलम बनने का ख्वाब देखने की बजाय खाक खून के रंगीन मुजस्मे में खो गई। अब ये बेरुखी क्यों? यूनान की सरजमीन में हुस्न जमाल की कमी नहीं। साजो जाम की रंगीन महफिलों से दिल बहलाओ और अपने वालिद मौज़्ज़म की तरह फतह के नारों को रक्कासा की फाज़ेब के सदाओं में गुम कर दो। शराब के हर कतरे को तूफान बनाकर यूनान की शान शौकत उसमें गर्काब कर दो। यूनान के शाही परचम शाही सिलों की बुलंदियों से नोच कर खाक की आगोश में गिरा दो। यूनान के शाही निशान अक्काब के पर कतर दो। यूनानी सिपाहियों के हाथों में शमशीर सना की जगह चंग रुबाब दे दो। मना भी करा दो कि मुकद्दस ज़ियात ने तुम्हारे फाते आलम बनने का जो ख्वाब देखा था वो कुदरत की पहली गलती थी। यूनान के गोशे गोशे में ऐलान कर दो कि यूनान की तारीख लिखने वाले अपने कलम शराब में भिगोकर हसीनों की होंठों की सुर्खी से यूनान की नई तारीख लिखे। निकटे तुम हमारे अजीज फरजंद हो, तुम्हें इस मुकद्दस रिश्ते की कसम कि जब साज़ो जाम की रंगीन महफिलों से फुर्सत मिले तो अपने कांपते हुए हाथों से शराब के किसी शिकस्ता जाम में जहर डालकर हमें पिला देना। उस्तादे यूनान, परेशानी के आलम में हो सिकंदर? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी राह पर सिकंदर का कदम रुका हो। हर मुकाबले में सिकंदर की फतह हुई, लेकिन सिकंदर ने पहली बार अरमानों की बाजी लगाई और शिकस्त खा गया। क्या मकसद है तुम्हारा? एक मासूम हसीना अचानक मेरे हाथों के उफक पर उभरी और दिल के आसमान पर छा गई। मुझे महसूस हुआ उसे देखने से पहले मेरे दिल में जिंदगी थी, धड़कन न थी, और आज वालिदा ने मेरी जिंदगी की पहली धड़कन छीन ली। उस्ताद यूनान, मैंने शिकस्त को पहली बार देखा है। मुकद्दस ज़ियात की कसम, शिकस्त बहुत बदसूरत है, बहुत बदसूरत। मैं तुम्हारी जुबान को खूब समझता हूं, क्योंकि मैंने ही उसे अल्फाज बख्शे हैं। उस औरत को फरामोश कर दो, एक सिपाही के लिए औरत की आगोश मौत की आगोश से ज्यादा खतरनाक है। सिकंदर, भूलो नहीं, मुकद्दस ज़ियात ने तुम्हें दुनिया को फतह करने के लिए चुना है। मुमकिन है मुकद्दस ज़ियात ने वो हसीना भी मेरे लिए चुनी हो। कुदरत कभी कभी इम्तिहान भी लेती, वो इंसान के सामने मोती और कंकर बिखेर देती और कहती है चुन लो जो चाहते। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता। तुम्हारी वालिदा ने तुम पे रहम किया जो उससे जुदाई मांगी। सिकंदर वो ये भी कह सकती थी कि जाओ उसका अपने हाथों से खून कर दो। उस्ताद यूनान, सिकंदर, दुनिया तुम्हारे मुंह से इसके फाने सुनना नहीं चाहती, तुम्हारे तलवार की झंकार सुनना चाहती है। उस्ताद यूनान गजब हो गया, पतली मूस ने शहंशाह फैलकूत का खून कर दिया। पतली मूस यूनान की तारीख का एक बाब खत्म हुआ, बाप शुरू हो रहा है। मैंने तारीख यूनान के उस फर्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया जिस पर सेलहूस का नाम था। कल का मौरिख ये लिखेगा कि बदलीमून ने तैयार शराब शहंशाह को खत्म कर दिया, सरजमीन यूनान को तुझसे नजात दिलाई। मेरे इस कारनामे के सिले में तुम लोग यूनान का शाही ताज पेश कर रहे हो। मैं इस सादत को बड़े फर्क से कबूल करता हूं। पतलीमूस यूनान के तख्त सिकंदर का हक है, तुम्हारा नहीं। शहंशाह फैलकूत तो गुमराह करने वाले भी तुम हो और उसके कातिल भी तुम। याद रखो, जिसने भी यूनान के नए शहंशाह के खिलाफ आवाज उठाई उसे भी किसी तरह खामोश कर दिया जाएगा।
आगे बढ़ो और यूनान का शाही ताज हमारे सर पर रख दो। सिकंदर, यूनान का नया शहंशाह। यूनान के बहादुरों ने नया शहंशाह चुन लिया है। ये फैसले जवानों से नहीं तलवारों से होते हैं। तुम समझते हो कि मकदूनिया के बहादुर फेलकूस के बेटे को शहंशाह बनाएंगे, जिसने यूनान की शान और शौकत हाथ में मिला दी थी? इसलिए कि उसके सालार तुम जैसे गद्दार थे, और आज वही गद्दार यूनान के तख्त पर बैठेगा। पत्रिमूस, मुकद्दस जियास ने यूनान के तख्त पर तुम जैसे कातिल को बैठाना होता तो वो सिकंदर को पैदा ही ना करता। बात सिकंदर, तुमने अपने बाप का इंतकाम ले लिया, खून का बदला खून। मरहबा सिकंदर, यूनान के तख्त पर तुम्हारा हक था, आज तुमने जोरे बाजू से वो हक मनवाया। मुकद्दस ज़ियास ने तुम्हें दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया है। तुम्हारे लिए बाप का साया नहीं, माँ की शफकत नहीं, शराब का जाम नहीं, जुआने के जज्बात नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो दुनिया का नक्शा। उस नक्शे के हर कोने पर खंजर की नोक से सिकंदर का नाम नक्श कर दो। शाह यूनान, सिकंदर, 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 शाह यूनान, सिकंदर। यूनान जिंदाबाद। शाह यूनान, ईरान के शाह दारा ने हमारी नौ आबादियों पर हमला करके हमें ललकारा है। हमें सबसे पहले इसका जवाब देना है। उस्तादे यूनान, मुकद्दस ज़ियास की कसम, सिकंदर की फतह का पहला कदम ईरान की सरजमीन पर रखा जाएगा। सेलूकस, फौज को कूच का हुक्म दिया जाए। सिकंदर अपने रास्ते में आने वाले मुल्कों को अपने कदमों तले रौंदता, हजारों बेगुनाहों की जिंदगी के चिराग बुझाता हुआ तूफान और आंधी की तरह ईरान की तरफ बढ़ रहा था। और इधर उसकी महबूबा सीथिया इंतजार की शमा जलाए सिकंदर की यादों में डूबी हुई थी। तुम किसी शहनशाह के लिए बिकोगी या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन मुमकिन है कोई शहनशाह तुम्हारे लिए बिक जाए। गजब हो गया, गजब हो गया। क्या बात है, सिकंदर ने ईरान पर कब्जा कर लिया। और हमें यहां से सिकिया को लेकर चले जाना चाहिए। सिकिया कहां चलेगी? ईरान के जाबाजो, हमारी शमशीर के सामने मिस्र, तुर्की और अब ईरान ने सजदा कर दिया। सलूकस, हमारा अगला कदम होगा हिंद, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती है। जो
यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा। वो भारत देश है मेरा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये तो फल और फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, आगे।
जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। किरात अमर आओ, शस्त्र पूजा के शुभ दिन पर भारत माता को प्रणाम करें। आओ आज हम तेरे सामने एक हाथ से फूल और दूसरे हाथ से तलवार भेंट करते हैं। फूल तेरी पूजा के लिए है मां, और तलवार तेरी रक्षा के लिए। माता, आज काल से तेरा यही आदेश रहा है, प्यार के जवाब में प्यार और तलवार के जवाब में तलवार। मुकद्दस खुदाओं का कहर, तुमने हमारे हजारों जंगजुओं को खत्म कर दिया, अब तुम्हारा अंजाम करीब है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तू बापू। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खामोश, नीच दरिंदे, अगर मैं बंदी नहीं होता तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। किरण, जान भले ही चली जाए लेकिन आम नहीं जाए बेटी, आम नहीं जाए। आओ मेरी आगोश में आओ। ठहरो, हम भारत की नारियां किसी पराये को अपना प्यार नहीं देती। पहले मैं तुझे अपना बनाऊंगी। हिरण,
निर्लज्ज, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? मैं तो मजबूर हूं, तुझे नहीं मार सकता, लेकिन तू तो आजाद है, तू मुझे मार डाल। मुझे एक जोगी ने ये जंतर दिया था। मैंने सोचा था जब मेरी शादी होगी तो ये जंतर अपने पति को दूंगी। जो भी ये जंतर पहनेगा उस पर कोई शस्त्र का असर नहीं होगा। तुम युद्ध भी जाओगे तो मुझे डर नहीं होगा, मेरे सुपैया को कोई भी नहीं मार सकेगा। इसका सबूत? तुम पहनो ये जंतर, मैं छुरी मारूंगी, तुम मरोगे नहीं। बहुत खूब, लाओ छुरी। शब्दाधारक सिकंदर आजम के सलाहकार को इस दर्जे बेवकूफ न समझो। मैं विश्वास नहीं, मैं जंतर पहनती, तुम मारो छुरी। लो ये कृष्णा भी काबिले तीर है, मारो छुरी। बेटी बेटी किधर? बेटी ये तुमने क्या किया बेटी, ये तुमने क्या किया? बाबू इन भूखे भेड़ियों से अपनी लाज बचाने का यही साधन था। आप ही ने तो कहा था जान चली जाए लेकिन आन न जाए। जय भारत, नादान औरत। नादान नहीं, भारत की नारी जिसके कंधों पर भारत खड़ा है। बेटी इस देश में तुम जैसी नारियां हैं, उस देश को एक सिकंदर तो क्या, लाखों सिकंदर नहीं जीत सकते। सिकंदर, इसे बचाने की कीमत तुम्हें अपने खून से देनी पड़ेगी, बहुत देनी पड़ेगी। होश में आने के बाद इसे रिहा कर दिया जाए, निकेतु सिकंदर इंतकाम का दावा करने वाले को पूरा मौका देगा। भोल मजीरा भीन बजाए, शंकर सज जाए, ये सब क्या है बंधु? तू तो नहाओ पूतो फलो। बड़े भैया से टिटोली? कोई बात नहीं, तेरे भाग भी खुलेंगे बेटा। अजी भाग तो बड़े भैया के होते, राज गद्दी मिले तो बड़े भैया को, लगन हो तो पहले बड़े भैया का, संतान हो तो पहले। मान अमर जी, अगर आपको लगन की इतनी जल्दी थी तो आप हमें कहते थे, पहले हम आपके लिए दुल्हन ढूंढ देते। अजी आप कहाँ से ढूंढते हैं हमारी दुल्हन? अपनी आंखें संभालो भैया, अपनी आंखें, आप भी नजर आ रही हैं। सफल तेरा हुआ सुहागन, साजन आए अंग लगाए, तजदे लाज पिया से मिलन हो। भारत के सपूतों, यूनान देश से सिकंदर नाम की एक सुरखांधी उठी और बड़ी तेजी के साथ हमारे देश की ओर बढ़ती चली आ रही है। हमारे परम मित्र
अमराव सिंह मालवा भारत की सीमा पर आग और खून की होली खेलकर आ रहे हैं। भारत के बहादुर नर नारियों ने सिकंदर के इस तूफान को रोकने के लिए अपनी लाशों की दीवार चुन दी। उन लाशों में से एक लाश अमराव सिंह की लाडली बेटी की भी थी। भारत की नारियों ने जान दे दी मगर आन नहीं। अभी तो सिकंदर हमारी रियासत से बहुत दूर है। ईरान के दारा ने भी भारत पर हमला किया था परंतु वो सिंधु से लौट गया था। मुझे आशा नहीं कि सिकंदर हमारी रियासत तक पहुंच सके। हमारी रियासत और जिन रियासतों को सिकंदर ने कुचल दिया है वो किसकी है? जो भूल आप कर रहे हैं वही सीमा प्रांत के राजाओं ने की। उन्होंने देश का नहीं केवल अपने अपने प्रांत का ख्याल किया। सिकंदर ने भारत की सीमा पर किसी भारतीय सैनिक के सीने में तीर नहीं मारा, तुम्हारे सीने में मारा है, हमारे सीने में मारा है। सिकंदर की तलवार का साया कंधार कंबोज कन्नर और पचकोरा पर नहीं पड़ा, स्वयं भारत मां के कलेजे पर पड़ा है। सिकंदर के खंजर से टपकती हुई लहू की बूंदे सिंधु नदी में गिरी और लाल हो गया गंगा गोदावरी और झेलम का पानी। महाराज, जहां एक तरफ हम सबको मिलकर अपनी शक्ति बढ़ानी है वहां दूसरी तरफ हमें सिकंदर की शक्ति को चकनाचूर कर देना, वरना इसके पहले कि हम सब एक हो सिकंदर पूरे भारतवर्ष पर छा जाएगा। अटक से 16 कोस दूर सिकंदर ने कश्तियों का एक विशाल पुल बनाया जिसके जरिए ईरान से हथियारों के अंबार और सिपाहियों की कतारें चली आ रही हैं और वो विशाल पुल सिकंदर की महान शक्ति। पिताश्री, ऐसी कई शक्तियां आई और कई शक्तियां चली गई। भारत अमर है, अमर रहेगा। हम भगवान राम की संतान है, हमारी भुजाओं में अर्जुन और भीम का बल है। हम सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी रावण से टकराने की पूरी पूरी हिम्मत रखते हैं। रावण चाहे लंका का हो चाहे यूनान का, सिकंदर की शक्ति से मैं टकराऊंगा। पिताश्री, तुम नहीं। पिताश्री, आज ही भैया का विवाह हुआ, युद्ध भूमि में भैया नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। नहीं अमर, जब तक बड़ा भाई जिंदा हो छोटा भाई मौत को गले नहीं लगा सकता। महाराज, जब तक मैं जिंदा हूँ आपके लाल मौत के मुंह में नहीं जाएंगे। भीष्म देव, जनता से बलिदान मांगने से पहले स्वयं राजा के लिए बलिदान देना जरूरी है। प्रश्न सिर्फ यही है कि हमारे दो बेटों में से इस युद्ध में पहले कौन जाए। पिताश्री, अभी भाभी के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी। मैं इससे पहले के लाखों दुल्हनों की मेहंदी लहू में बदल जाए मैं जाऊंगा। पिताश्री, किरात पुत्र पुत्र, तुम नहीं जानते हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम हमारी प्रथम संतान हो बेटे, और पहली संतान पिता की आत्मा होती है। तुम्हारी जन्म पर संसार ने पहली बार हमें पिता कहा है। तुम हमारे सिंहासन के उत्तराधिकारी हो और फिर अभी तुम्हारा विवाह हुआ है। हमारा मोह तुमसे और भी बढ़ गया है। तुम हमारा दायां बाजू हो बेटे, हमारा दायां बाजू हो। अमर, एक योद्धा किस बाजू से लड़ता है? दायां बाजू। सत्य है, सत्य है। जब तक दायां बाजू कट न जाए बाएं बाजू की बारी नहीं आती। निर्णय तुमने स्वयं दे दिया, युद्ध पर किरात ही जाएंगे। पिताश्री, हमें इन वस्त्रों में देखकर आपको अचंभा नहीं हुआ? आप इन वस्त्रों में ना आते तो हमें अचंभा होता। सुहाग रात को भारत की दुल्हन से ये तलवार जैसी तीखी बात सुनकर हम सोच में पड़ गए कि सिकंदर ने भारत पे हमला करने में कितनी बड़ी भूल की। देवी, हमारे जाने से पहले
दूध और केसर की रीत तो पूरी कर लीजिए, हमें विश्वास तो हो जाए कि हमारा विवाह हो गया। सिंदूर मांग से पहले हृदय में लगाया जाता है, सुलग चुका, आज हम इस समय की रीत निभाएंगे। अगर किस्मत में घाव खाना ही लिखा है तो पेट पर नहीं सीने पर खाइएगा। आरती की रोशनी धुंधली हो रही है, रो मत माँ। वो माँ कैसे न रोए जिसके सारे चाव मनी में रह गए, जिसका लाल सुहाग की रात तलवारों की छाव में मनाने जा रहा। धीरी, ममता की आंखों में आंसू देखकर भारत के वीर डोल गए तो इस देश का क्या होगा। भूलो मत देवी, तुम पहले इस देश की महारानी हो फिर एक माँ। सुहागिन का सुहाग विजयी होकर आए। विजयी भक्त वीर पुत्र, तुम रणभूमि में जा रहे हो, हम तुम्हारी ओर से दो ही समाचार सुनना चाहते, तुम्हारी विजय या तुम्हारा बलिदान। भैया, जब बड़े युद्ध पे जाते हैं तो छोटों को कुछ देकर जाते हैं। जान देश के लिए रखी है, बाकी कुछ भी मांगो। भैया तुम हर बात में मुझसे आगे रहते हो, तुम्हारा जन्म मुझसे पहले हुआ, तुम्हारा विवाह मुझसे पहले हुआ, युद्ध में तुम्हें मुझसे पहले जाने की आज्ञा दी। वचन दो भैया, एक जगह तुम मेरे लिए छोड़ दो। वचन दिया, मौत के मुंह में तुमसे पहले मैं जाऊंगा। जय देश। खुदावंद पोटेलमी, आपने खूब पहचाना, औरतों जैसी सूरत और औरतों जैसा ही लिबास दिया। हाँ।
सीथिया, आज यूनान के हर सिपाही के लब पर तबस्सुम और दिल में मुसर्रत है, लेकिन हम, काश इस जाम में शराब की बजाय तुम्हारी आंखों का सुरूर होता, आज तुम यहां होती तो हम तुम्हारे कदमों पर दुनिया के फाता का दिल रखकर कहते, सीथिया हम दुनिया के फाते जरूर हैं, लेकिन तुम दुनिया के फाते की फाते हो। Ah!
हमारे पुल की तबाही पोरस के सिपाहियों का कारनामा है। पहली बार सरजमीन हिंद पर किसी ने सिकंदर की कुवत को ललकारा है। सलूकस, ख्याल है कि इस बार यूनानी फौजों का मुकाबला एक अजीम दुश्मन से होगा जिसका नाम है पोरस। यही यूनान की सभ्यता है। युवराज, अब हमें चलना चाहिए। महाराज गुरु आपका इंतजार कर रहे होंगे। इस बार यूनानी फौजों का मुकाबला एक अजीम दुश्मन से होगा जिसका नाम है पोरस। देवी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यूनानी तरिंदों से एक देवी को बचाना हमारा धर्म है बहन। आपने मुझे बहन कहा, मेरा लिबास हिंदी है मगर मैं यूनानी लड़की हूँ। यूनानी तुम कोई भी हो, हमने तुम्हें बहन कह दिया। कहो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तुम जहां कहोगी हम तुम्हें पहुंचा देंगे। मैं गुलाम लड़की हूं, मेरा कोई सहारा नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं बहन। सारे संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहां गुलामों की तिजारत नहीं होती। भाई के घर के द्वार बहन के लिए हमेशा खुले हैं। आओ हमारे साथ। हम भी अगर हमसे मिलना नहीं चाहते तो उन्हें अकेले ही सिकंदर के तूफान से टकराकर खत्म हो जाने दीजिए। हम भी का वही अंत होना चाहिए जो एक देशद्रोही का होता है। हम तो महाराज को यही सलाह देंगे कि वो अपनी पूरी सेना को लेकर तख्तला पर टूट पड़े। और हमें पूरा विश्वास है कि महाराज का नाम सुनते ही तख्तला की पूरी सेना उस देशद्रोही को छोड़कर हमारा साथ मिल जाएगी। विष्णुदेव, लुटेरा घर के द्वार पर खड़ा हो तो दो भाइयों का युद्ध उचित नहीं होता। हम स्वयं तक्षशिला जाएंगे और महाराज आम्बी की सोई हुई देशभक्ति को झंझोर झंझोर कर जगाएंगे। महाराज, मूर्खता के सामने झुकने वाली महानता का निरादर भी हो सकता है। हमारे झुकने से अगर देश ऊंचा उठता है तो हम हजार बार झुकने को तैयार हैं। आम्बी हमारे शत्रु है पिताश्री, भगवान न करे कहीं आपकी जान को। अमर गुरु की जान का मोल भारत मां की चरण धूल के कण से अधिक नहीं। वीर पुत्र, हर आहार्य प्रभु से मुक्ति की याचना करता है किंतु गुरु भगवान से कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। प्रभु हमें बार बार जन्म दो और हम बार बार अपनी जान देश पर निछावर कर सके। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दावंदे यूनान की खिदमत आलिया में बतौर खिराज 1000 हाथी, 2000 घोड़े और 10,00,000 अश्रफियां पेश की जाएं, वरना कल तुलुए आफ्ताब के साथ यूनानी लश्कर सरजमीन टेक्सला पर हमला कर दे।
एक और यूनान नरेश की तरफ से हम पर चढ़ाई करने की धमकी दी जा रही है और दूसरी ओर हमारे शत्रु बोरो की राजसभा में हमारी मातृभूमि तक्षशिला पर हमला करने की सूचना दी गई है। हमारी राजसभा के 20 सभासदों की जो राय होगी हम उसी पर चलेंगे। हमारे विधान के अनुसार हमारे सारे सभासद बारी बारी जाकर स्वर्णद्वीप में अपना अपना हाथ डालें, केवल अंगूठी वही छोड़े जो यूनान नरेश के साथ युद्ध चाहता है। सर 15 सभासद युद्ध चाहते हैं। 15 10 सभासद युद्ध चाहते हैं और 10 मित्रता। इस समय राजनीति यही कहती है कि हम सिकंदर से मित्रता करें। एक ओर ये पोरू के मुंह पर तमाचा होगा और दूसरी ओर हमारी स्त्रियों की लाज, हमारे बालकों का जीवन, हमारा धन संपत्ति सर्वनाश होने से बच जाएंगे। हम भी मित्रता चाहते हैं, 10 युद्ध चाहते हैं और 11 मित्रता। बस सर्वसम्मति से फैसला हो चुका। राजदूत यूनान नरेश से जाकर कह रहे गुरु महाराज, तक्षशिला के एक एक सिपाही के पीछे पुरु के 10-10 सैनिक खड़े होंगे। तक्षशिला और पुरु नगरी की राज सभाएं एक हो गई हैं। अगर तक्षशिला के 20 में से 10 सभासद युद्ध चाहते तो पुरु के 50 में से 50 मातृभूमि की रक्षा हेतु सौगंध खा चुके हैं। दूत कान खोल कर सुन लो, अब 70 में से 60 तुम्हारे सिकंदर से टक्कर लेना चाहते हैं। किंतु आप हमारी राजसभा में हमारी आज्ञा के बिना कैसे चले आए? भाई के घर आने के लिए आज्ञा नहीं ली जाती आमबीराज। ये घर नहीं राज्यसभा है। हम आपकी राज्यसभा से ही कुछ कहने आए हैं। हमारी राज्यसभा का फैसला हो चुका। अम्बिराज आपको मुझसे बैर है ना? भारत माता से तो नहीं? फिर आप ये कैसे भूल गए कि जब सारे देश का सवाल आए तो राजा राज्यसभा और राज्य समिति दोनों को तोड़कर शत्रु के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर सकता? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपनी दुश्मनी का बदला हमारी प्रजा से लेना चाहते हैं? यूनान नरेश के लाखों सिपाहियों से हमारी 20,000 की सेना को टकराकर आप हमारा सर्वनाश कराना चाहते हैं? नहीं अम्बिराज नहीं, हम ऐसी नीच काम न कभी नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण यह है कि हम स्वयं अपने पुत्र अमर को आपके पास भेजेंगे, अपनी सेना के साथ आपके झंडे तले लड़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी सेना हमारी सेना के साथ मिल भी जाए तब भी सिकंदर की सेना अधिक है। हिसाब किताब व्यापारियों का काम है अम्बिराज, एक क्षत्रिय की दबान पर ये बातें शोभा नहीं देती। महाराज पुरु, अपनी राजधानी में आप हमारा अपमान कर चुके, आज आप हमारे दरबार में हमारे सभासदों के सामने हमारा अनादर कर रहे हैं। हमारे दरबार से निकल जाके। अम्बिराज हमें दुख से कहना पड़ता कि तुम्हारी रगों में बहने वाला क्षत्रियों का खून ठंडा पड़ चुका है। और अगर यही बात है पहुंच दो अंबे माथा का ये तिलक, अपने माथे से छोड़ दो ये पुरुषों का सिंहासन, उतार दो ये देवताओं का ताज अपने सर से, फेंक दो ये तलवार, पहन लो चूड़ियां और अपने मुंह की कालेबा से तक्षशिला की दीवारों पर लिख दो आम भी देशद्रोही है। तैयार हो जाइए अपनी मौत के लिए। कल को कोई ये ना कहे कि तक्षशिला में 90 पौरों का खून कर दिया गया। ये लीजिए तलवार। रहने दो ये गार्ड की तलवार, हमें तुमसे लड़ना होता तो हम यूं 90 ना आते।
किंतु हम लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, सिकंदर से, तुम ऐसे कायर से नहीं। देखते क्या हो, ले लो अपने राजा के अपमान का बदला। देवताओं की नगरी में एक देशभक्त का खून नहीं बहेगा। देव, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इनको भी मदद चखा दो, बाहर और लहू की नदियां। ठहरो ठहरो, हम भाइयों में युद्ध नहीं, मिलाप कराने आए हैं। तुम्हें माँ जगदम्बा की सौगंध, हमारे लिए एक दूसरे का रक्त न बहाना। तुम पुरु को मारना चाहते हो ना, तो देख क्या रहे हो, मारो। मित्रता को मार सके हो तो मारो, देशभक्ति को मार सकते हो तो मारो, सच्चाई को मार सकते हो तो मारो। अम्बिराज, यदि आपके 10 सभासद सिकंदर से मित्रता चाहने वाले होते तो हम पर 5 नहीं 10 तलवारें उठी। इसका मतलब साफ है, आपके 20 में से 15 सभासद सिकंदर से युद्ध चाहते थे। हम विराज, फिर से देखिए, कहीं अंगूठियों के गिनने में भूल तो नहीं हुई। तुम इधर आओ, अंगूठियों गिनती ठीक ठीक न करके तुमने हमें धोखे में रखा। देश द्रोही, ले जाओ इसे, डाल दो खाना डाल, ले जाओ। आपने तक्षशिला का फैसला सुन लिया, अब आप जा सकते हैं। गुरु महाराज की जय। तक्षशिला और पुरु राज्य के मिलाप। तो पोरस ने तक्षशिला के हुक्मरान अंबी को हमारी इताअत कबूल करने से रोक दिया। पोरस से इस हरकत का यकीनन इंतकाम लिया जाएगा। पुटेल में तक्षशिला पर फौरन हमला कर दिया जाए। खुदावंदे यूनान, तक्षशिला के हुक्मरान अंबी बारगाहे आली में इताअत कबूल करने आए हैं। बहुत खूब, सिकंदर के जलाल ने सरजमीन हिंद पर भी एक गद्दार पैदा कर दिया, पेश किया जाए। यूनान नरेश की जय। यूनान नरेश की जय। तक्षशिला नरेश यूनान नरेश की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। मरहबा, आफरीन। यूनान नरेश की जय हो। हमारे साथ पठारिए, हम आपको तक्षशिला नगरी में एक नए रंग की दिवाली दिखलाएंगे। हमारे राजमहल में यूनान का चिराग जलेगा, एक चिराग जलेगा और एक चिराग बुझेगा। पोरस का बेटा सेना लेकर आपसे मुकाबला करने के लिए आया है। तूफान के सामने चिराग जलने आया है। राजकुमार अनर्थ हो गया, राजा अंबी सिकंदर से मिल गया। राजा अंबी सिकंदर से मिल गया, देशद्रोही। कुछ भी हो, जब तक जान में जान है सिकंदर तक्षशिला की नगरी के अंदर कदम नहीं रख सकता। लेकिन राजकुमार, सिकंदर की सेना परवाह नहीं। जिस सर को चूम कर पिताश्री ने आशीर्वाद दिया है वो सर सिकंदर के आगे कभी नहीं झुक सकता। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है, राजकुमार किरात आ रहे हैं। किरात आ रहे हैं तो फिर जी घबराई हुई, कहाँ है वे? महारानी जी, राजकुमार किरात पधार रहे हैं। हमारा लाल आ गया। राजकुमारी जी, आपके पतिदेव आ गए। आ गए, आ गए। पिताश्री, आपका बेटा विजयी होकर आया। अटक में जाके देखिए, उस विशाल पुल के साथ साथ सिकंदर की शान के टुकड़े बिखरे हुए। धन्य हो ही पुत्र, तुमने युद्ध से पहले ही सिकंदर को भारतीय तलवार के गाड़ दिखा दी। मेरे पिताश्री, विजय के समाचार के साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ लाए, वो जो आपके पास नहीं। हमारे पास क्या नहीं है बेटे? बेटी बेटी जी।
बेटियां पांव नहीं छुआ करती। एक भारतीय कन्या होकर तुम ये भी नहीं जानती। पिताश्री, ये भारतीय नहीं, यूनानी कन्या है। यूनानी कन्या? जी, एक भारतीय भाई की यूनानी बहन। देवी, बिटिया को विश्राम घर में ले जाओ। पिताश्री, भारत और यूनान का ये नाता हम समझे नहीं। पिताश्री, ये बेसहारा थी, हमने एक यूनानी सैनिक से इसकी लाज बचाई। हम प्रसन्न हुए कि तुमने एक भारतीय वीर के धर्म का पालन किया है, लेकिन हो सकता है इसमें भी यूनानियों की कोई चाल हो। हमारी आंखें दुख और बनावट का अंतर जानती हैं पिताजी। किंतु महाराज, यूनानी दरिंदों ने हमारी बेटियों का अपमान किया है। यूनानी कन्या महाराज के राजभवन में नहीं रह सकती। एक यूनानी कन्या हमारे राजभवन में नहीं रह सकती, परंतु हमारी बहन रह सकती है। मालवाधीश, राजकुमार उसे धैर्य न भी बनाते तो भी एक बेसहारा के लिए हमारे द्वार बंद नहीं हो सकते, भले वो यूनानी हो या ईरानी। राजभवन में दिवाली की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन नफरत अमर का है, क्या हाल है उसका? भैया का हाल तो पूछ लिया, हमारा हाल नहीं पूछेंगे। तुम्हारा हाल क्या पूछे, तुम तो हमारे मन में रहती हो। भैया भी तो आपके मन में रहते हैं, पूछ लीजिए ना अपने मन से उनका हाल। कभी कभी तुम्हारा चित्र पूरे मन पे छा जाता है, सब उछल हो जाता है। बुरा मैं कहा है मन? तक्षशिला में। तक्षशिला में? तुमने खूब बहादुरी दिखाई। यूनान नरेश, मेरे पिताश्री महाराज पौरुष से मिले बगैर तुम्हारे युद्ध का इतिहास पूरा नहीं होगा। मेरे पिताश्री से कह देना उनके बेटे ने 30 पीठ पर नहीं सीने पर खाए थे। देशद्रोही, मेरे सामने से हट जाओ, अपनी सूरत दिखाकर मेरी मौत को बदसूरत न बनाओ। जिंदगी से बढ़ के जो समझे वतन की आन को,
झुक के दुश्मन भी सलामी देगा उस इंसान को। क्या है दीदी? महाराज, किसी को तक्षला नगरी भेजी, मेरे लाल का समाचार लेकर आए। घबराओ नहीं देवी, समाचार आता ही होगा। विजय का नहीं तो बलिदान का। महाराज, अन्नदाता। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो तक्षशिला से? अन्नदाता, हम भी सिकंदर से मिल गए, लेकिन फिर हमारे हार नहीं मानी और सिकंदर की फौजों से लड़ते लड़ते। सैनिक, रुक क्यों गए? कहते जाओ, हम सुनना चाहते हैं। हमारे वीर पुत्र ने वीर गति प्राप्त की या विजय? वीर गति को प्राप्त हुए। ये क्या हो गया? अमर वीर का हमारे पास आओ, हम तुम्हारे माता चूंगे। तुमने अपना सर देकर हमारा सर ऊंचा कर दिया। किरात, किरात, बेटे, लो अपने छोटे भैया से मिल लो। अमर, तुमने कहा था कि मौत के मुंह में मुझसे पहले तुम जाओगे, तुमने अपनी बात पूरी कर दी, तुम हमें छोड़ के चले गए। और इसका कारण है आप। सबने आपको समझाया तक्षला के मामले में मत आइए, लेकिन आपने नहीं मानी, जानबूझकर मेरे लाल को मौत के मुंह में भेज दिया। अब लाइए मेरा बच्चा, लाइए मेरा लाल। ऐसा न कहो देवी, ऐसा न कहो। आज के दिन हमारा अमर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। नहीं, उस देशद्रोही की नगरी में मेरे बेटे का बलिदान अकारण गया महाराज। देवी, एक देशभक्त का बलिदान कभी अकारण नहीं जा सकता। खुश हो कि तेरे बेटे ने उस देशद्रोही आंबी के मुंह पर चाटा मारा, उसने प्राण देकर उस लुटेरे सिकंदर को चुनौती दी है कि एक सच्चे भारतीय की गर्दन कट सकती है, छुप नहीं सकती। अब याद रखो, धरती के इस टुकड़े पर जहां भी उस वीर का रक्त गिरा, वहां का एक कण सूरज की तरह चमकेगा और सारे देश में देशभक्ति का उजाला कर देगा, देशभक्ति का उजाला कर देगा। मैं अंधेरा क्यों देख रहा हूं? ये अंधेरा क्यों है? ये अंधेरा क्यों है? दीवाली की रात अंधेरा, पुरुष की नगरी में अंधेरा, पुरुष के भवन में अंधेरा। देवी, हमारे प्यारे बेटे ने अपने देश के लिए जान दे दी और हम शोक मना रहे हैं। नहीं, जगमगा दो सारे महल और दीवाली का पहला दिया जले तो तुम्हारे हाथ। तुम्हें अपने अमर की सौगंध। Thank you.
गोर बदन पे गुलाबी नजरिया, गुलाबी नजरिया, न डाल मोरे राजा फिसल जाएगी, न डाल मोरे राजा फिसल जाएगी। ओ नैनवा की डोरी को खींच धीरे धीरे, खींच धीरे धीरे, नहीं तो मछरिया निकल जाएगी, नहीं तो मछरिया निकल जाएगी। हो जी हैया, हो जी हैया, ला 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 ला, ला 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 ला। खेल नहीं कोई दिल का लगाना, दिल का लगाना, अरे रे 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 रे। खेल नहीं कोई दिल का लगाना, दिल का लगाना, कांटे को डालकर मछली फसाना जी, कांटे को डालकर मछली फसाना जी, मछली फसाना। तबीयत का क्या है, तबीयत कहीं भी, तबीयत कहीं भी, के जब आ गई तो मचल जाएगी, के जब आ गई तो मचल जाएगी। ओ नैनवा की डोरी को खींच धीरे धीरे, खींच धीरे धीरे, नहीं तो मछरिया निकल जाएगी, नहीं तो मछरिया निकल जाएगी। देखने में सामने सलोनी बदरिया, सलोनी बदरिया, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे। देखने में सामली सलोनी बदरिया, सलोनी बदरिया, टकरा गई तो बनेगी बिजरिया जी, टकरा गई तो बनेगी बिजरिया जी, बनेगी बिजरिया। भूले से मेरी चमक पे न जाइया, चमक पे न जाइया, गिरूंगी तो हर चीज जल जाएगी, गिरूंगी तो हर चीज जल जाएगी। हमारे गोरे बदन पे गुलाबी नजरिया, गुलाबी नजरिया, न डाल मोरे राजा फिसल जाएगी, न डाल मोरे राजा फिसल जाएगी। बलखाई लटको हाथ न लगाइयो, हाथ न लगाइयो, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे। बलखाई लटको हाथ न लगाइयो, हाथ न लगाइयो, सोई है नागन इस न जगाइयो जी, सोई है नागन इस न जगाइयो जी, इस न जगाइयो। नागन की पीत बुरी दसने पे आई, दसने पे आई, तो कब जाने करवट बदल जाएगी, तो कब जाने करवट बदल जाएगी। हमारे घर बदन पे गुलाबी नजरिया, गुलाबी नजरिया, न डाल मोरे राजा फिसल जाएगी, न डाल मोरे राजा फिसल जाएगी। तो डोरी को खींच धीरे धीरे, खींच धीरे धीरे, नहीं तो मछरिया निकल जाएगी, नहीं तो मछरिया निकल जाएगी। आप क्या चाहते हैं? आप अपनी बेटी के खून का बदला। मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया। तुमने किया है, तुम्हारी कौम ने किया है, यूनानी सिपाहियों ने मेरी बेटी का खून किया है। अब मैं तुम्हारा खून करके अपने कलेजे की प्यास बुझाऊंगा। हेलो अमराव सिंह, आप कैसे भूल गए कि भारतीय वीर कभी कन्याओं पर हाथ नहीं उठाते। यूनानी कन्या को देखकर मुझे अपनी बेटी की मौत याद आ गई। अमराव सिंह जी, उन्होंने आपकी बेटी ही का नहीं, हजारों भारतीय कन्याओं का निरादर किया है। ये उनका आदर्श है, और जरवीर के रात में अपनी जान पर खेलकर उन यूनानी सैनिकों से एक यूनानी कन्या की लाज बचाई, ये हमारा आदर्श है। आदर्श का सवाल वहां उठता है जहां शत्रु का भी कोई आदर्श। ये न भूलिए महाराज कि आपने जिस लड़की को आश्रय दिया है
तो एक यूनानी, कहीं आपको पछताना न पड़े। अमराव सिंह जी, जब इसी को बेटी ही कह दिया तो फिर सोचना कैसा। महाराज, यूनान नरेश सिकंदर के राजदूत हाजिर होने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। तुम यूनानी राजदूत का स्वागत करते हो। क्या कहते हैं यूनान नरेश? शाह पोरस, आप ये वाक्या सुन चुके होंगे कि शाहे टेक्सला ने खुदावंदे यूनान की इताद कबूल कर ली है। खुदावंदे यूनान को उम्मीद कामिल है कि आप भी शाहे टेक्सला के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदावंदे यूनान की खिदमत आलिया में 20 लाख अशरफिया, 5,000 घोड़े और 1,000 हाथी पेश फरमाएंगे और हल्फे वफादारी उठाएंगे, वरना आपकी सल्तनत ताराज कर दी जाएगी और कुछ तो खून की जिम्मेदारी आपके सर होगी। दस्तखत मोहरे शाही नकेटू सिकंदर शाह यूनान फातह मिस्रो ईरान कम्बोजो कंधार पुष्कलवती मलोई सिंधु टैक्सला। दूत, इस पत्र में भारत की पवित्र भूमि का जहां जहां वर्णन है सब उड़ा दिए जाएं। मतलब? सिकंदर ने कुछ मोर्चे जीते हैं, लड़ाई नहीं जीती। अब इतिहास का फैसला बाकी है कि सिकंदर भारत का विजयी होगा या नहीं। शाह पोरस, खुदावंदे यूनान की हैसियत का फैसला तारीख कर देगी। हम आपसे फरमाने आलिया का जवाब चाहते हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा युवराज। पिताश्री, ये पत्र हमारे पास लाया जाए। ये है हमारा जवाब। शाह पोरस, मुकद्दस ज़ियास के मानवी फदंद केटू सिकंदर के फरमान की ये तौहीन। आपको जो जुर्रत सिर्फ इसलिए हुई है कि आपके सामने एक सफीर है। नकेटू सिकंदर के सामने आप ये जुर्रत कभी न कर सकते। ये जुर्रत सिकंदर के सामने ही हुई है, आप राजदूत नहीं, सिकंदर है। सिकंदर, मरहबा शाह पोरस, मरहबा। हम आपकी नजर की दाद देते हैं। आपने खुदावंदे यूनान को कैसे पहचाना? राजदूत राजा का सेवक होता है, अपने राजा के निरादर से उसे क्रोध आ सकता है, लेकिन उसका हाथ तलवार पर कभी नहीं जा सकता। आफरीन शाह पोरस, आपकी सजात और बहादुरी की रुदा सुनकर खुदावंदे यूनान आपके दीदार के लिए बेताब हो गए थे। हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन हमें दुख से कहना पड़ता कि आपसे मिलकर हमें खुशी नहीं रंज हुआ। पहली ही मुलाकात और उसमें भी धोखा, धोखा हमारे लिए अच्छा ही रहा। लाखों सिपाहियों की जान से खेलने वाला सिकंदर आज हमारे कब्जे में है, तो चाहे तो आपके खून से तमाम भारतीय सिपाहियों के खून का बदला ले सकते हैं। शाह पोरस, हमें खूब मालूम है आप हम पर हाथ नहीं उठाएंगे, ये सरजमीन हिंद का उसूल है। उसूल? उसूल का शब्द आपकी जबान पर शोभा नहीं देता यूनान नरेश।
हम जानना चाहते हैं आपने कौन सा उसूल निभाया है स्वात के समीप अश्वकाश के राजा की मृत्यु के बाद वहां के समस्त नर नारियों को आपने मरवा डाला यही आपका उसूल है और मलोई में आपके अत्याचार से तंग आकर 10,000 नारियां अपने विरक्त बच्चों को गोद में लेकर आपकी आंखों के सामने जलती हुई चिताओं में जलकर राख हो गईं यही आपका उसूल है अगर हमारे उसूल कुदरत को नापसंद होते तो हमारी फतह क्यों होती इसका कारण है सिकंदर जब भारतवर्ष इंसान बना रहा था तुम्हारा यूनान हथियार बना रहा था इसलिए आज लड़ाई के मैदान में यूनान जीत रहा है मगर इंसानियत के क्षेत्र में बुरी तरह हार रहा है हम पूछते हैं सिकंदर लाखों बेगुनाह इंसानों के खून से होली खेलने का कारण क्या है क्या यूनान में खाने को धन नहीं होता क्या वहां के लोग दुनिया के लोगों से ज्यादा खाते ज्यादा भूखे क्या वहां मरने के बाद भी इंसान को दफन करने के लिए ज्यादा धरती की जरूरत पड़ती है अगर इन असूलों को मानकर सिकंदर यूनान की चार दीवारी ही में रह जाता तो आज सिकंदर सिकंदर आजम ना कहलाता यूनान का आजम भारत का आजम नहीं हो सकता सिकंदर इंसानी लहू की नदियां पार कर राज सिंहासन पर बैठने वाला यूनान में महान हो सकता है लेकिन भारत में सौतेली महाचे के इशारे पर राज सिंहासन को ठुकराने वाला राम महान कहलाता है शाहपुरुष अगर कुर्बानी ही हिंद का उसूल है तो हमारी इताअत कबूल करके हिंद को कुछ तो खून से क्यों नहीं बचा लेते शांति और प्रेम के अवतार भगवान राम ने जब श्री कृष्ण का जन्म लिया तो शायद उन्हें मालूम था कि एक न एक दिन हमारी दया का गलत फायदा उठाते हुए कोई सिकंदर किसी पुरुष से ऐसा ही सवाल करेगा लेकिन याद रखो सिकंदर जहां हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों और उपनिषदों ने विश्व शांति या विश्व प्रेम का संदेश दिया है वहां इन महान पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता भी रख दी ताकि अगर कोई सिकंदर भारत की पवित्र भूमि पर आक्रमण करे तो कोई न कोई पुरु तलवार का जवाब तलवार से दे सके यूनान नरेश अब हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी युवराज इन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया जाए तो आप क्या पिताश्री महाराज मेरे दोनों बाजू कटे हुए मैं लड़ तो नहीं सकता गा सकता आप मुझे अपनी सेना के साथ रख लीजिए मैं वीर गाथाएं गागा का सबका दिल बढ़ाऊंगा तुम धन्य हो महाराज मैं एक एक पैसा रोज इस गुल्लम में डालता था इसलिए इससे मैं खिलौने खरीदूंगा और महाराज अब मुझे खिलौने नहीं चाहिए मैं अपने गुल्लम देश को देता हूँ वीर बालक हमारे पास आओ आओ महाराज इन सिक्कों से एक तलवार लेना और सिकंदर को यूं मार देना अवश्य ऐसे ही होगा महाराज मैं एक अंधी विधवा हूँ मेरा एक ही बेटा है मैं इसे सेना में भर्ती कराना चाहती हूँ तुम धन्य हो माँ किंतु पुरु के पास बहुत सेना है तुम इसे अपने पास रखो ये तुम्हारी आंखों की ज्योति है क्या अमर अपनी माँ की आंखों की ज्योति नहीं था क्योंकि तुम राजा हो इसलिए जो चाहे वो कर सकते हो मैं एक अनाथ विधवा अंधी हूँ इसलिए मेरी कौन सुनता है पर तुम्हें सुननी ही पड़ेगी मेरा लड़का अब मेरे साथ नहीं जाएगा ये देश का हो चुका है महाराज ये देश का हो चुका है ये देश का हो चुका है जिस देश में तुम ऐसी माताएं हैं
वो देश कभी प्रतंत्र नहीं हो सकता। महाराज देश आपत्ति में है, हम ब्राह्मणों ने शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठा लिए, हमें रणभूमि में जाने की आज्ञा दी जाए। महाराज हम प्रसन्न हुए, गंगा की धारा को कौन रोक सकता है। महाराज हम वैश्य हैं, व्यापारी हैं, भारत माता कष्ट में है, हम व्यापार की गद्दियां छोड़कर आए हैं, हम सिकंदर की सेना को दिन में तारे दिखा देंगे। हम शुक्र है महाराज, परंतु हमारे सीने में भारत माता का प्रेम किसी से कम नहीं, हम भी युद्ध लड़ेंगे महाराज। बहुभाग्य चारों वर्ण युद्ध भूमि में कूद पड़े, सिकंदर के दो बाजू हैं तो हमारे चार। जय देश जय भारत, जय देश जय भारत। दुश्मन सर पर खड़ा जाग रे, दुश्मन सर पर खड़ा जाग रे, भारत की संतान कतरा कतरा सिमट सिमट कर बन जाए तूफान, तूफान तूफान तूफान। ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, आंधी तूफान के पाले लाज तेरी के रखवाले। माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़। तेरा आंचल छूने वाला हाथ काट कर रख देंगे, तेरे चरणों में दुश्मन का कटा हुआ सर रख देंगे। निकल पड़े हैं रण में तेरे दूत की कीमत देने वाले, आंधी तूफान के पाले लाज तेरी के रखवाले। ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़। लहू रगों में उबल रहा है आज काम ये आएगा, जहां गिरेगी एक बूंद वहां एक किला बन जाएगा। माता बेटे अमर है तेरे, मिट कर भी नहीं मिटने वाले, आंधी तूफान के लाज तेरी के रखवाले। ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़। दुश्मन समझे सिर्फ अहिंसावादी से ये टक्कर है, वो क्या जाने हर उंगली में एक सुदर्शन चक्कर है। कटे हुए हैं मोड़ मोड़ पर भीम और अर्जुन मतवाले, आंधी तूफान के वाले लाज तेरी के रखवाले। ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, आंधी तूफान के पाले लाज तेरी के रखवाले। माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ दरियाए चहलम की लहरें भी सहम गई हैं। आज हमारा देश
हमारा भारत संकट में है, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। जालिम सिकंदर की फौजें हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। शपथ खाओ कि हम अपनी जान दे देंगे, हम तो शत्रु को अपनी मातृभूमि पर कब्जा करने हरगिज नहीं देंगे। हमें अपनी माताओं, अपनी बहनों और अपने बच्चों की रक्षा करनी है उन दरिंदों से। जो उनकी फौजें जहलम पार करने न पाए, सावधान रहो, सावधान। के रुकने का इंतजार नहीं कर सकता। अगर खुदावंद युवराज इस तूफान में दया अवसर करना नामुमकिन है। जहाँ से दरिया निकलता है वहाँ उसका दहाना छोटा होता है। हम एक फौजी दस्ते के हमराह वहाँ से अपूर करेंगे।
खत्म हो गए। यही अलग रहा तो हमारा क्या आंसू होगा? यूनान से साफ साफ कह दो कि हम अपने वतन जाना चाहते हैं। हाँ हम वापस जाएंगे, हम चल नहीं जाएंगे। एक बार सिकंदर से आंख मिलाकर कहो कि तुम जंग करना नहीं चाहते। खुदावंदे यूनान, हम जंग करना नहीं चाहते, हम जंग करना नहीं चाहते। सिपाही जंग करना नहीं चाहते? नामुमकिन। क्या दरिया कह सकता है वो बहना नहीं चाहता? क्या आफ्ताब कह सकता है वो रोशनी देना नहीं चाहता? क्या शोला कह सकता है वो जलाना नहीं चाहता? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमें अपना वतन छोड़े हुए 12 बरस हो गए। सिपाही का वतन मैदान जंग होता है। हमें हमारे अजीज याद आ रहे हैं। सिपाही के अजीज उसके हथियार होते हैं। हमें हमारी बीवियों की मोहब्बत पुकार रही है। फतह की मालिका सिपाही की दुल्हन होती है। हकीकत यह है कि हम जंग से बेजार हो गए खुदावंद यूनान। नहीं, हकीकत यह है कि तुम दुश्मन की ताकत से परेशान हो गए हो। आज पूर्व से हमारी जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। जंग के शुरू में ही हमारी ऐसी तबाही हुई है कि जिसे हम कयामत तक नहीं भूल सकते। किसी का रसीक, किसी का भाई, किसी का वालिद, किसी के जिगर का टुकड़ा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। इसीलिए तुम वापस नहीं जा सकते। क्यों खुदावंद यूनान? जिन रास्तों पर यूनान के जाबाजों ने खून बहाया है वो रास्ते तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। उन जाबाजों की रूहें तुम्हारे दामन पकड़कर पुकार पुकार कर पूछेंगी, क्या हमारा खून खून न था? क्या हमारी कुर्बानी बेकार गई? क्या हम वतन छोड़कर नहीं आए थे? खुदावंद यूनान, मुर्दों को कोई जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी जिंदगियों की हिफाजत अब भी मुमकिन। नामुमकिन, नामुमकिन। ये कोई यूनानी दिलावरों के लफ्ज नहीं हो सकते जो आज से 12 वर्ष पहले यूनान की सरजमीन से फतेह आलम का अजीम और शान ख्वाब देकर रवाना हुए थे। जिन्होंने मिस्र की ईंट से ईंट बजा दी, जिन्होंने तुर्कस्तान में गलना बर्पा कर दिया, जिन्होंने ईरान की सरजमीन को खून से नहला दिया। नहीं, तुम वो दिलावर नहीं हो सकते। तुम बुजुर्ग हो और बुजुर्गों की रहनुमाई का नाम सिकंदर के खून में नहीं, तुम चल सकते हो। सरजमीन हिंद में तुम्हारी आमद को तारीख नहीं भूल सकेगी। हम तुम्हें रुख्सत भी इस अंदाज से करेंगे कि तारीख तुम्हारी वापसी को भी फरामोश न कर सके। सुलुकस, यूनान का परचम लाया जाए। परचम जमीन पर बिछा दिया जाए। खुदावंद यूनान, हमारे इरशाद की तामील हो। जो सिपाही वापस जाना चाहते हैं वो यूनान के परचम को अपने कदमों तले रौंद कर जा सकते हैं। यूनान
देवी भारत की सीमा से तू लगी है जिस धरती को सिकंदर ने कुचला था, आज उसका कर कर खिल उठा, आज स्वर्ग में तुम्हारे वीर पुत्र अमर की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। देवी आज हमने शहीदों के लहू का बदला ले लिया। अमर के वियोग में रोने वाली माँ के आंसू आज सूख गए नाथ। माँ आज की संध्या अगर एक घड़ी ठहर कर आती तो हमारे पिताश्री के भाले पर सिकंदर का सर होता और कल की प्रभात भारत की इतिहास की सुनहरी प्रभात होगी। सिकंदर और पुरु का आखिरी युद्ध और इसके बाद भारतीय सेना सिकंदर की सेना धकेलती हुई सीमा पर ले जाएगी और सिकंदर से कह सकेंगे, सिकंदर ये रहा तुम्हारे यूनान का रास्ता। देवी आज की विजय भारत की बहुत बड़ी विजय, आज हम बड़े प्रसन्न हैं। आज के युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवार के लिए हमारे खजाने के दरवाजे खुलवा दो। और देवी आज की विजय के उपलक्ष्य हम जेल के इस पार की जागीर आपको भेज करते हैं। पूर्व की किरार और दक्षिण की बहुराजी आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया? यही तो हम पूछने वाले थे, हमारी यूनानी बेटी क्या चाहती है? मांगने की हिम्मत नहीं होती। तुम्हें शंका है तुम जो मांगोगे हम नहीं देंगे? हाँ अगर कोई ऐसी चीज मांगना चाहती है जो हम नहीं दे सकते तो मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम दे सकते तो जरूर मांगो। मैं जो आपसे मांगना चाहती हूँ वो आप दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं। हम तुम्हें वचन देते हैं देश की आन के सिवा कुछ भी मांग लो। मेरे मांगने से पहले ही आपने मेरा हक छीन लिया। तो क्या तुम भारत की आन मांगना चाहती हो? हमारी बेटी होकर हम ही से हमारी माता के प्राण मांगना चाहती हो? साफ क्यों नहीं कहती तुम हमसे यूनान की विजय मांगना चाहती हो? नहीं मैं यूनान की फतेह नहीं चाहती। यूनान ने मुझे सिवाय गुलामी की जिंदगी के और कुछ नहीं दिया। मैं सिर्फ उस इंसान की जिंदगी चाहती जिसने मुझे गुलामी की जिंदगी से निजात दिलाने की कोशिश की और चंद लम्हों के लिए मुझे अपनी मोहब्बत का सहारा दिया। कौन है वो? सिकंदर जिसे हमने बेटी कहा वो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन की प्रियतमा। तुमने पूर्व से सिकंदर का जीवन मांगा है, तुमने सिकंदर की मौत से उसकी जिंदगी मांगी। आओ एक भारतीय बाप एक यूनानी कन्या को बेटी कहने का मोल देता है। लो लो ये तलवार अब फोंक दो हमारे सीने में। पूर्व की आन बच जाएगी, तुम्हारे सिकंदर की जान बच जाएगी। संभालो देखिए क्या। नहीं नहीं आपने मुझे बेटी ही नहीं कहा, आपने मेरी जान भी बचाई थी। आप मेरे मोहसिन हैं, मैं इंसान हूँ पत्थर नहीं हूँ। तुमने पुल को छोड़ दिया, तुमने सिकंदर की मौत के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिए। नहीं नहीं ऐसा न कहिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बाप और महबूब दोनों जिंदा रहे? असंभव। यह आक्रमण करने वाले और रक्षा करने वाले पे युद्ध है। तुम्हारे पिता और तुम्हारे प्रियतम में से एक को मरना होगा। तो मुझे कहने दीजिए आपका प्यार बनावट है, आप मुझे बेटी नहीं समझते सिर्फ कहते हैं, आपकी बातें झूठी है, आपकी तहजीब धोखा। झूठी
धोखा हमने नहीं तुमने किया है। रात को भाई और हमें पिता बनाने से पहले तुम अपनी प्रियतम के जान बचाने के स्वप्न देख चुकी हो। तुमने प्यार नहीं सादा किया है। तुम्हारे सिकंदर पर उठती हुई पुरुष की तलवार अब रुक नहीं सकती। अगर आपकी तलवार नहीं रुक सकती तो मैदानी जंग में जाने से पहले मेरा खून कर दीजिए। लड़की हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों की सावन। अगर हम भारतीयों के लिए स्त्री पर वार करना पाप न होता तो हम सिकंदर के खून से पहले तुम्हारे रक्षक की तलवार रख लेते। सिकंदर और तुम्हें गले तो नहीं मिला सकते लेकिन तुम दोनों के रक्त की धाराएं हम अपनी तलवार की धारा पर अवश्य मिला देते। और याद रखो लड़की देश कुलू के बेटे बेटी बेटी के प्रियतम स्वयं उनसे भी ऊंचा देश कुलू को बेच सकता कुलू देश को नहीं बेच सकता। सुन लो कल के डूबते हुए सूरज की आखिरी किरण दो देशों की किस्मत के साथ साथ तुम्हारे भाग्य का फैसला भी कर देगी। गंगयुद्ध भूमि में या तुम्हारे भारत के पिता पुरु की लाश होगी या तुम्हारे यूनानी प्रियतम सिकंदर की। फौजों को भारतीय तलवार की काट दिखा दी। आज दुनिया को दिखा दो कि जब एक भारतीय देश की रक्षा हेतु तलवार उठाता है तो विजय उसकी तलवार की नोक चूमती है। आओ आओ हम सब मिलकर सौगंध खाएं कि जब तक देश पर हमला करने वालों का एक एक झंडा धरती पर गिरकर भारत माता को प्रणाम नहीं कर लेता तब तक हम सूर्य को डूबने नहीं देंगे। यूनान के जाबाजों सिकंदर और फतेह एक ही इंसान के दो नाम हैं। यूनान का परचम तुम्हारे हाथ में है और सिकंदर की तकदीर तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और फतेह के मैदान पर यूनान का परचम लहरा दो। यूनान Thank you.
के यूनान सूरज के हाथियों के डर से हमारे फौजी भाग रहे हैं। आप देखिए, एक रोज आप तख्ते शाही पर जलवा फरोज थे और हम सफीर बनकर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुए थे। आज आप बाबा सफीर हमारे पेश नजर हैं और हम तख्ते शाही पर जलवा फिगन हैं। अब हिंद की नई रियासतों को हमारे जो फरमान जाएंगे उन पे लिखा जाएगा नकेटू सिकंदर फाता कंबोजो कंधार पुष्कलवती मलोई सिंधु कैक्सला और बादिये जेहलम। तारीख का फैसला सुन लिया शाहपुरस? सुन लिया। ये अपना अपना भाग्य है सिकंदर, तुम हार कर भी राज्य सिंहासन पर बैठे हो और हम जीत कर भी जंजीरों में जकड़े खड़े हैं। मतलब? सिकंदर, जिस दिन तुमने शांत भारत की सीमा पर पहला कदम रखा उस दिन तुम्हारी पहली हार हुई। जिस दिन तुमने इस देशद्रोही आंधी को गले लगाया उस दिन तुम्हारी दूसरी हार हुई। जिस दिन तुम्हारा घोड़ा जेहलम की दलदल में फंसा था और तुम पर उड़ते हुए भारतीय वीरों के हाथ रोक लिए गए उस दिन तुम्हारी तीसरी हार हुई। और आज युद्ध भूमि में जब हमारी तलवार तुम्हारे सीने की तरफ बढ़ी एक कन्या बिजली की तरह बीच में आ गई, यह तुम्हारी चौथी हार थी।
अगर हमारी मर्यादा हमारा हाथ न रोक लेती तो भारत के इतिहास से सिकंदर का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट गया होता। हम आपकी बेपनाह जुर्रत की दाद देते हैं। मिस्र से सरजमीन जेहलम तक हमने आपसा लामिसाल बहादुर नहीं देखा। खुदावंदे यूनान आपकी मर्दानगी को सजदा करते हैं। फरमाइए शाहपुरुष, आपसे क्या सलूक किया जाए? वही सलूक जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। मुकद्दस ज़ियाद की कसम, हम आपके जवाब से बहुत खुश हुए। एक बहादुर ही बहादुर से नजर मिलाकर बात कर सकता है। शाहपुरुष, हमने आपकी सल्तनत वापस की। आज शायद यूनान का नया फरमान निकलने वाला है। फरमान तो यही होगा, मगध पर हमला कर दिया जाए। और क्या? हमने सुना है जब मगध की फौजें चलती हैं तो उसके पांव की गर्द से आफताब की रोशनी भी धुंधली हो जाती है। तो ये जंग नहीं खुदकशी है। तो ये साबित हो गया है कि हम हिंदी फौजों का मुकाबला नहीं कर सकते। अंजाम कुछ भी हो, शाह यूनान के फरमान की तामील करना हमारा फर्ज है। दुहाई है यूनान नरेश की, दुहाई है। लोग चारों तरफ से मुझे देशद्रोही कहकर धिक्कार रहे हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं। क्या आपसे वफादारी करने का यही नाम है? सुलूकस, इसे वही इनाम दिया जाए जो एक गद्दार को दिया जाता है। आइए महाराजा। अब सिकंदर को गद्दारों की जरूरत नहीं। यूनान के दिलावरों, जिस सरजमीन ने पोरस जैसे बहादुर पैदा किए हैं, अब हम उस सरजमीन पर खून नहीं बहाएंगे। यूनान की फौजें आज ही वापस रवाना हो जाएंगी। यूनान नरेश, भारत भी आपकी मित्रता का जवाब मित्रता से देगा। आज आपको अपना वो खोया हुआ रक्त मिलेगा जो आपका अपना यूनान आपको नहीं दे सका। शाही यूनान सीथिया, लगता डेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।